मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास में बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ और 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया। 67,000 लोगों को राशि अंतरित कर दी गई है। आज सभी से चर्चा भी की गई। सबने कहा कि आगे की पढ़ाई में इससे मदद मिलेगी, आप लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, छोटी छोटी राशि आप स्वयं खर्च कर अपनी तैयारी कर पाए तो आपको राहत मिलेगी। ये शासन की ओर से आपको छोटा सा सहयोग है। आपको इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, DBT से आपको राशि दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय महाराज पीएस सिंह देव जी, भाई अमरजीत भगत जी, भाई डॉक्टर सी डहरिया जी, भाई अरुण वोरा जी, सब उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि मन, साथ ही मंच में उपस्थित चीफ सेक्रेटरी अफताब जैन जी, आलोक शुक्ला जी, अंकित आनंद जी, अवनी शरण जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित हमारे सभी नौजवान दोस्तों, सबको जय जोहार, नमस्कार। आज ये मौका है कि हमने जो वादा आप लोगों से किया था उसे पूर्ण करने का दिन है। आज हम लोगों ने, जैसा कि आलोक शुक्ला जी ने बताया कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ, 25 तारीख को इसका प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना शुरू किए और आज 30 अप्रैल है और 1 महीने के भीतर में लगभग अभी तक के 67,000 लोगों को हमने ये राशि अंतरण किया। वैसे लगभग 70,000 उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, 1,27,000 जो आवेदन आए उसमें पात्र जो लोग हैं उसके खाते में 2,500 रुपया अंतरण हम लोगों ने किया है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनसे हमने बात की और अधिकांश लोगों ने यही कहा कि आगे के पढ़ाई में इसका उपयोग होगा, इस राशि का, जो आपके सपने हैं उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छोटी सी मदद, जो आपको जो रोज परेशानी होती थी, माँ बाप के ऊपर आश्रित थे, जैसे कि अभी हमारी बिटिया तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे राशि के लिए हमको माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई करना है, उनके पास तो रोजगार है ही नहीं। ऐसे में ये जो राशि है, आपको ऑटो की किराया देना है, कोई फॉर्म भरना है, तो इन सब राशियों के लिए एक पुस्तक खरीदना है, तीन सब इस राशि से इन छोटे छोटे कार्य को आप संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से घर को भी, परिवार वालों को भी मदद होगी और आपको भी बार बार आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस पैसे के लिए, इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। ये राशि आपके खाते में होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि
ये आपको चेक लेने के लिए आपको जनपद के कार्यालय या नगर निगम के कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। आज जैसे हमने अभी 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया, जैसे आवेदन भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आपने उसको फॉर्म को भर दिया, वेरिफिकेशन करने के लिए भी नजदीक के केंद्र में आपको जाके वेरीफाई किए हैं। 8% जो जो हितग्राही हैं उसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उसको भी हायर अथॉरिटी पे उसको अपील करने का अधिकार है कि यदि किसी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अपील भी कर सकता है, उसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो दूसरी बात है, पिछले सरकार में पूरे 14 साल में 100 करोड़ से कम की राशि दी गई बेरोजगारों को, और अभी तो एक महीने में 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में पहुंचा है। तो वो पिछले सरकार ने जो किया था वो ऊंट के मुंह में जीरा। आपको ये भी कहा गया था गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे 11,000 आमदनी होगी तब आपको मिलेगा, फिर 500 रुपया था, आखिरी में 1,000 किया, उसमें भी 1 करोड़ से कम राशि दी गई थी। 1,000 करने के बाद भी 2015 में जो किया गया था उसमें 92 या 94 लाख रुपया राशि दे पाई थी सरकार ने पूरे साल भर, और अभी स्थिति ये है, मतलब 100 करोड़ पूरे 14 साल में, तो एक साल में कितना हुआ? गणित की स्टूडेंट वहां थी जो फ्री में कोचिंग कराना चाहती है ना, 14 × 96 6.5 करोड़ है ना, 14 × 97 7 करोड़, तो 7 करोड़ रुपया एक साल में, और अभी 16.5 करोड़ रुपया एक महीने में, कितना फर्क है। और सीमा 2.5 लाख तक की कर दी गई है, बहुत सारे राज्यों में भी दे रहे हैं, तुलनात्मक आप देखेंगे तो उन राज्यों से बेहतर है। लेकिन मुझे ये बात सही है कि आज वितरण कर रहा हूं, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों के सपने साकार करने में राज्य सरकार के वजह से थोड़ी सी मदद होगी, लेकिन मुझे पूरी खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। उसके लिए भी योजना हमने बनाई है, इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे ताकि 6 महीने की ट्रेनिंग होगा, उसमें आप फिर अपने पसंद का रोजगार आप चुन सकेंगे। सरकारी नौकरी के बारे में हमारे अभी खैरागढ़ के साथी आए थे, उन्होंने कहा कि वो टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो कोई टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपने सपने संजोक रखे हैं, हमारी जिम्मेदारी आप सपने को साकार करने की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये बिल जो है बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है वो बिल अटका हुआ है राजभवन में, और जिस दिन हस्ताक्षर होकर आएगा उस दूसरे दिन सारे पेपरों में सारे समाचार पत्रों में मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। हमारी तैयारी पूरी है लेकिन अटका हुआ है राजभवन में, और उसके कारण से ये परेशानी है आपके। मैं समझ सकता हूँ आप इतना मेहनत करके जो सपने संजोए हैं उसको साकार करना चाहते हैं, और उसमें इस प्रकार से जो वैधानिक परिस्थिति बनी है उसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है, इसका मुझे दुख जरूर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो वादा हमने किया था उसे हमने आज एक कदम और बढ़ाया है, इस सपने को आप साकार करने में, वादा पूरा करने में हमने, हमारी सरकार ने जो कोशिश की, और एक महीने के रिकॉर्ड समय में सारे पोर्टल खोलना, ऑनलाइन आवेदन लेना, वेरिफिकेशन करना, वो सारे काम करके आज 30 अप्रैल को राशि वितरण किए हैं। इसके लिए विभाग के मंत्री उमेश पटेल जी को, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को और उनके जितने सहयोगी हैं और जो कर्मचारी हैं सबको बधाई देता हूं कि रिकॉर्ड समय में काम कैसे किया जाता है वो इस विभाग ने करके दिखाया है। एक बार उनके लिए भी जरूर जोरदार ताली बजाएं पूरे विभाग के लिए। पहले मैंने टास्क दिया था तो इतने दिन में कैसे हो पाएगा, पोर्टल ही नहीं बन पाएगा, एक महीने तो, मैं बोला कुछ नहीं जानता मैं तो सरगांव जा रहा हूँ और वहाँ वो पोर्टल लॉन्च करूँगा और 1 तारीख से फॉर्म जमा करना है, ये मैं जानता हूँ, और उसके बाद जो भीड़ के दिन रात मेहनत करके जो काम किए हैं
वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और उसी तत्परता के साथ हमारे युवा साथी भी आवेदन जमा किए हैं, आगे भी अवसर आपको मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।